लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। कश्मीर में आईएस कनेक्शन ने सुरक्षा एजेंसियों के उड़ाए होश। कश्मीर में आईएस ने अपनी दस्तक दे दी है। अनंतनाग में शुक्रवार को मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के आईएस कनेक्शन ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। मीडिया एजेंसी इससे पहले भी आईएस हमले का दावा कर चुकी है, लेकिन हर बार केंद्र और राज्य सरकार ने इसे दरकिनार कर दिया। पहली बार राज्य पुलिस ने स्वीकारा है कि मारे गए आतंकियों के आईएस से कनेक्शन थे। सुरक्षा बलों पर हमले करने के साथ ही उनके हथियार लूटने के भी मामले सामने आए हैं। पहली घटना पिछले साल नवंबर में श्रीनगर के जकूरा में सामने आई थी, जब आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था। इसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया था। इसमें श्रीनगर का आतंकी मुगीस अहमद मीर भी मारा गया था। वह आईएस लिखा हुआ टी शर्ट भी पहना था। उसके शव को आईएस के झंडे में लपेट कर दफनाया गया। इसके बाद फरवरी 2018 में श्रीनगर में अलगाववादी नेता फजल हक कुरैशी के घर पर हमला किया गया। इसमें सुरक्षा गार्ड फारूक अहमद शहीद हो गया था। आतंकी उसकी सर्विस राइफल भी साथ ले गए थे। अगले दिन आईएस ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए लूटी गई राइफल की तस्वीर वायरल की थी। मार्च में अनंतनाग में मुठभेड़ में तेलंगाना के तौकीफ अहमद और स्थानीय इशा फाजिली मारे गए थे। इशा को आईएस का पोस्टर बॉय माना जाता था। उसके शव को भीड़ ने परिवार वालों से छीन कर जुलूस निकाला और शव को आईएस के झंडे में लपेट कर दफनाया। तौकीफ आईएस की विचारधारा से प्रभावित होकर तेलंगाना से कश्मीर पहुंचा था। जनवरी में पुणे की एक लड़की को श्रीनगर से आत्मघाती महिला के शक में गिरफ्तार किया गया। उसके भी आईएस से प्रभावित होने की आशंका थी। बाद में पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे परिवार वालों के हवाले कर दिया था। 2017 की शुरुआत में पांव पसारने किए थे शुरू। माना जाता है कि आईएस ने वर्ष 2017 से कश्मीर में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। शुरुआत में प्रदर्शनों और आतंकियों के जनाजे में आईएस के झंडे लहराए जाते रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से इन झंडों के लहराए जाने को गंभीर खतरा भी बताया जा चुका है। इसके बाद राज्य पुलिस की ओर से ऐसे तत्वों को चिन्हित भी किया गया, कुछ के खिलाफ कार्यवाही भी की गई।